नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बचे हुए इन 25 दिनों में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यही होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको लाभ मिले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, जीएनएम के बाद एएनएम में भी आएंगे हम, तो अगर आप जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा 150 नंबर की होगी, जिसमें से आपको 90 नंबर का जो प्रश्न है वो साइंस से पूछा जाएगा, 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको मैथ से पूछा जाएगा, और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30 और बायोलॉजी से 30, यानी टोटल 90 नंबर। मैथ में पूरा मैथमेटिक्स को पढ़िए और आपकी इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच, हम लोग जिसको बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन सारे चीजों को पढ़िए, एंटोनिम और सिनोनिम्स पढ़िए, और एंटोनिम सिनोनिम के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द अंग्रेजी में, ठीक है। इस प्रकार 150 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाया जाएगा परीक्षा में, अगर आपको नहीं आ रहा है तो किस तरह से आप आंसर देंगे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आगे करेंगे, इस वीडियो में नहीं। सेकेंड पे अगर बात करें हम लोग, तो एएनएम वालों की जो परीक्षा है वो 100 नंबर की होगी, ठीक है ना। 100 नंबर जिसमें से 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उनके साइंस से होगी, और 25 नंबर मैथ और 25 नंबर जीके का होगा, ठीक है ना। टोटल 100 नंबर की परीक्षा होगी। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि तैयारी इन 25 दिनों में तैयारी कैसे करें। इन 25 दिनों में आपको बहुत ही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी, रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फजूल की चीजों को नहीं पढ़ना है, जो चीजें जरूरत की है उनको पढ़ना है। आप कौन चीज को आसानी से याद कर सकते हैं उन चीजों को पढ़ना है, जो चीज आपसे नहीं होगी उन चीजों को छोड़ देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। पढ़ने का तो हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके साथी जो फॉर्म भरे हैं वही लोग भी पढ़ रहे हैं। जरूरी यहां पे ये हो जाता है कि क्या छोड़ें, कौन सी चैप्टर को या कौन सी टॉपिक अगर हम छोड़ दें तो हमको हानि नहीं होगा या हमारा एग्जाम में उसका कोई उतना असर नहीं होगा। नहीं तो पता चला जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले थे उसी क्वेश्चन उस चैप्टर को ही आपने छोड़ दिया, अब बाद में वेंटिलेटर देख रहे हैं भैया वेंटिलेटर की, और गिन रहे हैं कितने पंखे लगे हैं, कितने बल्ब लगे हैं रूम में, तो ये समस्या आती है। ये मैं बात आप लोग इसीलिए कर रहा हूं कि लगातार 2018-19 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो इसी एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूं कि आपको आप सिस्टमेटिक तैयारी करनी है। सिस्टमेटिक तैयारी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टॉपिक को छोड़ देना है, बहुत सारे मैथमेटिक्स का टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में नहीं घुस रहे होंगे उसको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, अब सब्जेक्टिव पढ़ने का समय है कि अब ऑब्जेक्टिव पढ़ने का समय है, या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ने का समय है, किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दें। तो देखिए जो मेजर चैप्टर होता है, जैसे मैथ में आपको परसेंटेज हो गया, मैथ में आपको रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मैथ में आपको एलजेब्रा हो गया, मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मैथ में एपीजीपी हो गया, मैथ में ट्रिगोनमेट्री हो गया, मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है, चाहे आप जीएनएम कर रहे हैं चाहे आप एएनएम कर रहे हैं, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, ये सजेशन दोनों के लिए है, क्योंकि जो जीएनएम पढ़ रहा है वही सेम चीज एएनएम को भी पढ़ना है, सिर्फ जीके को छोड़कर। अब जो जीएनएम वाले हैं वो जीके छोड़ देंगे, बदले में इंग्लिश पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे, तो मैथ तो इन लोगों को भी पढ़ना है।
साइंस में क्या पढ़ेंगे? साइंस में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, उष्मा पढ़ना है, कार्य ऊर्जा पढ़ना है ना। इस प्रकार से आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, प्रकाशिकी पढ़ना है। ये चैप्टर मेजर चैप्टर होते हैं, ठीक। अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री में कार्बन और उसके यौगिक पढ़ना है, साधारण नोमेनक्लेचर पढ़ना है, बेंजीन ग्रुप को पढ़ना है, एस्टर ग्रुप को पढ़ना है, फिनॉल ग्रुप को पढ़ना है। साथ ही केमिस्ट्री में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना। इस प्रकार की जो है चीजों को पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं, रिएजेंट जितने भी, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन सारे चीजों को पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। इनमें से जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा भारी लगता है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 6 महीना का समय नहीं है कि आप इत्मीनान से तैयारी करेंगे। हमारा जस्ट बैच स्टार्ट होने वाला है फिर से टीचर्स डे के बाद से, यानी आपकी परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा के बाद हम लोग 10-15 दिन का एक रेस्ट लेंगे, फिर से 2025 के लिए बैच शुरू हो जाएगी, है ना। तो जो बच्चे नवंबर दिसंबर से पढ़ रहे हैं उन लोगों को पूरा 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने का समय मिलता है, लेकिन आप लोगों को अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 महीना 22 से 25 दिन का आपके पास समय है और इस शॉर्ट समय में आपको सारी चीजें कवर करनी है। इधर उधर दिमाग दौड़ाने से बेहतर है कि आप बैठ के पढ़ाई करिए। सब्जेक्टिव चीजों को अब पढ़ने का वक्त उतना नहीं है, अब आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और हमारा कल से एक ऑफर आ रहा है टीचर्स डे के उपलक्ष पे, ये जो आपके बचे हुए 25-28 दिन है इसको मात्र आप 199 रुपीज में ऑनलाइन क्लास अपने घर बैठे ले सकते हैं। 199 रुपये में A&M और JNM की, जो आपकी अभी इस साल 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा देंगे, सारे सब्जेक्टों की, मैथ की करा देंगे, फिजिक्स की करा देंगे, केमिस्ट्री की करा देंगे, बायोलॉजी की करा देंगे, GK की करा देंगे, एंटोनिम सिनोनिम करा देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। हाँ, चीजों को आपको देंगे उसको अच्छा से पढ़ना है, जो टास्क मिलेगा उसको पूरा करना है। मात्र 199 ओनली, 450 रुपया देके आप फॉर्म भरे हैं, उससे भी कहीं कम। 450 रुपया देके आप फॉर्म भरे हैं, एक फॉर्म, उससे भी कहीं कम। 199 रुपये में आप नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं हमारे पास बचे हुए आखिरी 25 दिनों की। 199 रुपये। क्या करना होगा? आप AB अकेडमी दुमका के एंड्रॉयड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, OTP से वेरीफाई करें। वहां पे आपको कोर्स मिलेगा A&M JNM पैरामेडिकल का। ये ऑफर टीचर्स डे के उपलक्ष पे आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से जाइए कोर्स में एनरोल्ड कीजिए। मात्र 199 रुपया पेमेंट कीजिए और कोर्स ले लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 25 दिनों में आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और लगभग आप सभी बच्चों का सिलेक्शन सरकारी कॉलेजों में हो जाएगा। साथ ही अगर किन्हीं बच्चों का सिलेक्शन सरकारी कॉलेजों में नहीं होती है तो आप हमारे द्वारा कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। AB अकेडमी दुमका का कुछ कॉलेजेस हैं अपना, जिसमें हम लोग बच्चों को मिनिमम फीस पे अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। साथ ही कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है, आप लोगों को छात्रवृत्ति भी मिलेगी। जितनी आप फीस देंगे लगभग उतनी फीस छात्रवृत्ति के द्वारा आपको वापस मिल जाएगा। अगर तब भी किसी प्रकार का आपको दिक्कत आ रहा है 199 रुपये का कोर्स लेने में, या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप सीट बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर 9546036623 नंबर पर संपर्क करके इन सारे चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको वीडियो में दिया जा रहा है, इसमें संपर्क करें, डायरेक्ट हमसे बात करें और कोर्स अवेलेबल करें। कोर्स लेने के लिए आप प्ले स्टोर में जाके डायरेक्ट ले सकते हैं, उसमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई किसी प्रकार की पेमेंट वेमेंट करने की दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैं जो बताना चाह रहा था कि तैयारी कैसे करनी है मैंने बता दिया। अभी ऑब्जेक्टिव चीजों को ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए, क्योंकि रिविजन ही आपको अच्छे नंबर लाने में मदद करेगी।
और दिमाग को अभी इधर उधर मत भटकाइए, अभी आप सोचिए कि आपका ये एग्जाम है और इसको निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।